क्या एक मर्द 100 शादियां कर सकता है बशर्ते कि एक वक्त में 4 बीवियां निकाह में हों, 2 फौत हो गई, 2 शादियां कर ली, फिर 2 को तलाक दे दी, फिर 2 शादियां कर ली। यार ये जो तमाशा है ना, इस्लाम के मिजाज में ये चीजें नहीं बैठती हैं। अगर आपने इस नीयत से शादी की है ना कि मैंने इसे तलाक दे देनी है, तो आपकी शादी भी इस्टेब्लिश नहीं, वो वाली शादी भी नहीं हुई है। कुरान में वाज़ह है कि छुपी दोस्ती इस तरह के मामलात नहीं होंगे। शादी इस्लाम में खानदानी निजाम को चलाने के लिए, ये ज़हन में रखिएगा। तलाक देने के लिए अगर शादी है तो ये वही निकाह मुता है, एक रात का निकाह। आप एक रात का कह लें, एक साल का कह लें, 2 साल का कह लें, जो आपने फिक्स टाइम के लिए, जब आपकी उस वक्त ये नीयत है मैंने इस औरत को छोड़ देना है, तो वो शादी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। लिहाजा ये सवाल तो मर गया। बाकी रहा 100, अगर ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाए तो हो जाए, ये वही है जो आप हलाला करने की कोशिश कर रहे हैं। हलाला ऑटोमेटिकली हो जाए वो अलग बात, कुरान में आया कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया या उसने तलाक दे दी और फिर वो अपनी मर्जी से पहले खामन की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अगर कोई औरत जानबूझ के ऐसे करती है तो वो तो लानत फरमाई गई है। अपने वाजा में हदीस है, लानत करने वाले और करवाने वाले के ऊपर लानत है। तो ये वही चीज है।